बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7A ये कंटिन्यू करेंगे। ये पेज 100 पे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें है एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 16x प्लस 12, और दूसरी वाली है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 13x प्लस 14। तो ये एक्स क्यूब दोनों में है और यहाँ पे 7x² है, ये 5x² है, तो मैं इसको बड़ा मानूँगा, तो इसको अंदर रखते हैं। तो जी एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 16x प्लस 12 इधर आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 13x प्लस 14। तो 1 किया तो एक्स क्यूब आ गया, ये प्लस 5x² प्लस 13x प्लस 14 2x² प्लस 3x माइनस 2, 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसको यहीं रखते हैं, और चूंकि छोटा हो गया रिमाइंडर बन गया, तो अब हम इस चीज़ को इधर लेके आते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 13x प्लस 14। अब ये 2x² है, ये एक्स क्यूब है, तो बेहतर है इसको 2 से ज़रब दे दें। तो 2x³ प्लस 10x² प्लस 26x प्लस 28। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ प्लस 3x, सॉरी गलत कर गया मैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू हाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 2x³ आएगा ना। 2x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ होगा, एक्स से। तो 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x, ये कट चुका है, ये आएगा 7x², ये हो जाएगा प्लस 28x प्लस 28। अच्छा जी, अब ये कि हम यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से 7 कॉमन ले लें और उसके बाद इसको आगे ले आएं, क्योंकि जहाँ पे भी कोई कॉमन चीज़ नज़र आए तो बेहतर ये होता है कि आप उसको निकाल दें। तो x² आ गया प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, तो आप इसको इधर ले आएं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स को 2 से ज़रब दी तो 2x² प्लस 8x प्लस 8। तो साइन चेंज किया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे -5x, यहाँ पे -10, ये वही सिचुएशन आ गई जो कि यहाँ पे थी। तब -5 कॉमन ले लें अगर, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब एक्स प्लस 2 को यहाँ रख के तो इसको इधर लाना है, तो जगह तो कम है लेकिन ट्राई कर लेता हूँ। x² प्लस 4x प्लस 4, ये इसे अब एक्स प्लस 2 से डील करना है। तो एक्स को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा कि x² आएगा, एक्स प्लस 2x। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x प्लस 4। अब मैं एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस 4 ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ जो आया ना, वो ये आया एक्स प्लस 2, ये वाला एक्स प्लस 2।
बेहतर ये है कि जब आप चेक कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। सिक्स में वो ये कहते हैं कि 8x³ माइनस 2x² माइनस 53x माइनस 39, और दूसरा है 4x³ माइनस 3x² माइनस 24x माइनस 9। मैं चेक कर लूँ ज़रा, 8x³ माइनस 2x² माइनस 53x माइनस 39 और 4x² माइनस 4x³ माइनस 3x² माइनस 24 माइनस, ठीक है। अब ये 8 है तो इसको अंदर रख लेते हैं। 8x³ माइनस 2x² माइनस 53x माइनस 39, तो यहाँ पे 4x³ माइनस 3x² माइनस 24x माइनस 9। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x³ हो जाएगा, 2 के से माइनस 6x² माइनस 48x माइनस 18। ये हो जाएगा, ये तो खैर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4x² माइनस 5x और माइनस 21। अब कुछ कॉमन नहीं है, ये इधर ही रह गया, रिमाइंडर बन गया। ठीक है, मैं डबल चेक कर लूँ मैंने कोई गलती तो नहीं की सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, और अब इस चीज़ को उधर लेके चलते हैं। फोर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 24x माइनस 9, तो 4x² 4x³ तो x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x³ हो जाएगा माइनस 5x² माइनस 21x, तो ये हो गया 2x² माइनस 3x माइनस 9। कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, अब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 6x माइनस 18। अच्छा, आप सॉरी मैंने गलती की, क्योंकि आप इस स्टेज पे मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई आपने करना हो तो जब वो रकम उधर आती है तो उस वक्त करते हैं, तो मैं इस स्टेप को डिलीट करने लगा हूँ। ये गया, सॉरी, कन्वेंशन ये गया, इस वक्त नहीं करते तो हम इसको ऐसे रखते हैं। अभी छोटा हो गया ना, इसको रिमाइंडर मान लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। माजरा चाहता हूँ। 4x² माइनस 5x माइनस 21, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 6x माइनस 18, तो ये आ जाएगा x और यहाँ पे माइनस 3। अब ये रिमाइंडर बन गया, तो आप इस चीज़ को इधर ले आए, 2x² माइनस 3x माइनस 9, 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया माइनस 6x, तो ये 3x माइनस 9, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 9 ख़त्म हो गया। तो आपका HCF जो है ना वो ये है, एक्स माइनस 3। जब आप चेक किया जाए, लो जी ज़बरदस्त काम हो गया, बिल्कुल ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 वो है x 4
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन एक्स फोर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स माइनस वन। अब देखा जाए तो सब कुछ एक जैसा, आप इसमें किसको लें? मेरा ख्याल है कि आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल मैं इसको लेने लगा अंदर। और आप कहेंगे कि भाई इसको क्यों अंदर ले रहे हैं, मुझे यहाँ पॉजिटिव रकम नज़र आ रही तो मैं इसको अंदर ले रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव है तो चांसेस हैं कि ये शायद बड़ी रकम होगी। आप उसको ट्राई कर ले, लेकिन बहरहाल मैं इसको लेने लगा हूँ। एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे एक्स फोर माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स प्लस वन। तो वन से करेंगे तो एक्स फोर माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स प्लस वन, तो ये हो गया टू एक्स क्यूब, माइनस एक्स प्लस एक्स भी ख़त्म हो गया, माइनस टू। तो यहाँ से टू कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब माइनस वन। अब एक्स क्यूब माइनस वन को लेके इसको रिमाइंडर मान के तो आप इस चीज़ को इधर लें, तो एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, सॉरी प्लस वन, सही कॉपी किया। अच्छा जी, आप एक्स क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से करेंगे तो एक्स फोर हो जाएगा, माइनस है माइनस एक्स, सॉरी इधर आएगा ये और ये, तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये कुछ भी नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वन। मेरा ख्याल है मैं इसे माइनस वन से कर देता हूँ, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वन ख़त्म हो गया, तो आंसर आ रहा है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वन एच सी एफ। क्वेश्चन नंबर सेवन होपफुली ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है जी, ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर एट, टू एक्स फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और दूसरा है फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। अच्छा जी, ये अंदर जाएगा, सीधी सीधी बात है, तो ये टू एक्स फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा फाइव एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। अब ना आप ऐसा करें कि इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर लें ताकि वो टेन बन जाए, तो फिर इसके साथ करना ज़रा आसान हो जाए। तो टेन एक्स फोर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन। अच्छा, अब फाइव एक्स क्यूब को किस से ज़रब दूंगा? टू एक्स से, तो टेन एक्स फोर बन जाएगा प्लस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। ये ख़त्म हो गया, ये एक्स क्यूब की रकम पहले लिखेंगे तो माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ट्वेंटी वन, सॉरी प्लस ट्वेंटी वन होगा, ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली रकम ले लेते हैं तो ये माइनस सिक्स एक्स और एंड में प्लस फिफ्टीन, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी आना चाहिए, सॉरी ट्वेंटी फाइव में से फाइव निकाला, मैं चेक कर लूँ ये फाइव मैंने ठीक लगाया नहीं लगाया, टेन होना चाहिए, देखें फाइव एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो टेन एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे फिफ्टीन आएगा, बल्कि बेहतर यह है कि इसको ठीक करके लिख ही दिया जाए। तो ये हो गया टेन।
अच्छा, अगर मेरी ये गलती है तो मुमकिन है और भी गलती हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। 6 है, ठीक है, 10 हो गया, 6x पर, ठीक है। अच्छा, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। एक और गलती कर दी मैंने, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 25 है, ये 10 या 15 आना चाहिए ना, मैंने फिर गलती कर दी, सॉरी। आज मुझसे खासी गलतियाँ हो रही हैं, ये 15 आ गया। अब अगर 15 है तो 6 15, 6 3 15, तो फिर तो इनमें कॉमन निकल सकता है, जो कि 3 कॉमन निकलता, बल्कि -3 को कॉमन निकालते हैं, तो 2x³ - 5x² प्लस 2x - 5। जी, अब जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये छोटा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, बल्कि हमने तो कॉमन निकाला है, तो आप इस चीज़ को इधर लेके आएंगे। तो 5x³ + 3x² + 5x+3, अब ये 5x³ है, तो मुझे, मेरा ख्याल है 10 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, नॉट 10 बट 2 से, 2 से करूँगा ताकि वो 10 बन जाए, फिर इधर 2 से, 2 को 5 से करूँगा तो वो 10 हो जाएगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 10x³ + 6x² + 10x+6। अच्छा, अब 2x³ को मैं किससे ज़रब दूंगा कि वो 10x³ बनेगा, 5 से, तो 10x³ - 25x² + 10x - 25। तो 6x² है, ये 25 है, तो ये कितना हो गया, 31x² प्लस 10x है, ये मैंने कितना लिखा है, ये 10x है, ख़त्म हो गया, और ये प्लस 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 31। अब 31 कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लें, तो x² + 1, अब x² + 1 को अंदर आके मुझे इससे करना है, तो मैं ना यहाँ करने लगा, अब जगह वहाँ पे बहुत ही कम है, x² + 1 को अंदर आके, तो बाहर आके, सॉरी, इस चीज़ को मैं इधर ला रहा हूँ, तो 2x³ - 5x² + 2x - 5, तो 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x³ हो जाएगा प्लस 2x, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो -5x² - 5। अब इसे -5 से करूँगा तो -5x² - 5 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया, तो आपका HCF जो है ना वो ये वाला आ गया, x² + 1। जवाब चेक किया जाए, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में है 3x4 + 7x² + 4, और दूसरी रकम है 2x5 + 3x³ + x² + x+1, बड़ी लंबी चौड़ी रकम दे दी इन्होंने, 2x5 + 3x³ + x² + x+1, इधर ये है, ठीक है, इसको अंदर रखते हैं, ऑफ कोर्स 2x5 + 3x³ + x² + x+1, इधर 3x4 + 7x² + 4। अब ये 3 8 2 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 बन जाएगा, बाद में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जब 6 ला सकते हैं, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं,
ये आ गया 6x5 प्लस 9x3 प्लस 3x2 प्लस 3x+3। अब 3x4 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 14x3 प्लस इधर 8x, ये ख़त्म हो गया, ये और ये। अब माइनस और ये प्लस, तो माइनस 5x3 प्लस 3x2 माइनस 5x+3। अब ये क्यूब हो गया, ये तो ये रिमाइंडर बन गया, ये 4 है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो 3x4 प्लस 7x2 प्लस 4, इसमें से ना हम -1 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बजाय -1 कॉमन लेने के हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो इसे मैं -5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें क्या होता है, मैं थोड़ा सा बुक के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, बट लेट्स सी। -15x4 -35x2 -20, ठीक है। आप जनाब मुझे इसे 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -15x4 हो जाएगा, प्लस 9x3 -15x2 प्लस 9x, ये ख़त्म हो गया। ये क्यूब वाली रकम को पहले लिखना पड़ेगा, 9x3, ये -35 है, ये +15 है, तो -20x2, होपफुली मैं गलती नहीं कर रहा, बहरहाल मैं देखता हूँ अभी रोक के, -9x -20। अच्छा, आम तौर पे यहाँ वैसे वो मल्टीप्लाई नहीं करते, हालांकि उन्होंने कहीं रिटर्न रूल नहीं दिया कि आप यहाँ नहीं कर सकते, आमतौर पर वो शुरू में ही करते हैं। तो अब ये -5x3 है, ये -9x3 हो गया, तो मैं यूँ करता हूँ कि इसको अब रिमाइंडर कंसिडर कर लेता हूँ और इसको अंदर लाता हूँ। तो इसको रिमाइंडर कंसिडर करने से पहले ना मैं -1 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x3 प्लस 20x2 प्लस 9x प्लस 20, और अंदर मेरे पास आ जाएगा ये वाली चीज़, वो हो जाएगी -5x3 प्लस 3x2 माइनस 5x+3। अब इसे ना मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि वो 45 हो जाए, तो फिर 9 को मैं उधर से 5 से मल्टीप्लाई करके 45 ले आऊँगा, तो मैं इसको ना, मेरा ख्याल है ठीक है, इसे ना 9 से ही कर लेते हैं। बल्कि -9 से करता हूँ, पॉजिटिव हो जाए, तो 45x3 माइनस 27x2 प्लस 45x माइनस 27। अच्छा जी, अब इसको मैं ये 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 45x3 प्लस 100x2। वाह, बड़ा नंबर आ गया जी, खासा बड़ा नंबर है, तो बहरहाल 100x2 प्लस 45x प्लस 100, साइन चेंज करें सबके, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया जी -127x2, ये लगता है कि कैंसिल हो गया,
और ये -127, क्योंकि ये नेगेटिव है और इसका साइन चेंज किया, ये भी नेगेटिव है। ओके, तब इसमें से आप -127 कॉमन ले लें तो x² + 1 आ गया। अब जारी बात है, इसको बाहर रखे तो इसको अंदर रखेंगे, तो ये चीज़ में आप इधर, मेरे पास जगह थोड़ी है तो मैं इसको इधर करने लगा हूँ, नहीं कलर चेंज करूँ, तो ये मैं इधर, तो ये x² + 1 और बाहर आ जाएगा, सॉरी अंदर आएगा 9x³ + 20x² + 9x + 20। तो x को मैं 9x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9x³ + 9x, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बचा 20x² + 20। तो फिर इसे +20 से मल्टीप्लाई किया, तो 20x² + 20। तो आंसर जनाब शुक्र ही होगा, हमारा मसला हल इधर ही, जितना लंबा हो रहा था नंबर आ रहे थे, मैंने कहा शायद कोई गड़बड़ हो गई है। तो आंसर में किससे लिखूँ, इसे लिखता हूँ HCF x² + 1, मेरा ख्याल है ठीक है, लास्ट टाइम मैंने शायद यही देखा था, पिछले सवाल का जवाब चेक कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है 10x4 + 3x3 + 8 और 8x4 + 3x + 10। तो 8x4 को अंदर ले लिया, सॉरी इसको अंदर लेना चाहिए, गलत में क्या गया, टेन एक्स फोर प्लस 3x³ + 8। अब 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, कि ये 40 हो जाएगा, और तो इसको 8 को 5 से करूँगा तो वो भी 40 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40x4 + 12x3 + 32। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो जाएगा x4 +15x + 50, ये 12x3 - 15x, सॉरी इसको पहले उतारना चाहिए मुझे, +12, ओ उतार तो चुका हूँ उसे, गड़बड़ हो रही बहुत आज, -15x और ये हो जाएगा -18, तो इनमें 3 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 4x³ - 5x - 6। तो इसको बाहर रखा और अंदर हम ये चीज़ ले आए, 8x4 + 3x + 10। अब 4 को किसी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 हो जाएगा, 2x से, बल्कि 8x4 - 10x² - 12x। ये कैंसिल हो गया, 10x² + 15x + 10। अब इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x² + 3x + 2। अब इसको अंदर रखते हैं और सॉरी बाहर रखते हैं इसे और इसको लेके आते हैं, तो 4x³ - 5x - 6। तो इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x³
प्लस 6x प्लस 4, तो ये आ गया माइनस 11x माइनस 10। मैं चेक कर लूँगा गलती तो नहीं कर रहा। टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, 4x³ आ गया, 6x² आना चाहिए। देखा गलती है मेरी, 6x² आना चाहिए था इधर। ये तो शक पड़ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आज दो तीन फोन आए, लगता है उसे खासी डिस्ट्रैक्शन हुई है। 6x² और प्लस 4x, तो ये -6x² -9x -6। अब -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6x² -9x -6, और ख़त्म हो गया। ज़बरदस्त। तो हमारा जो HCF है ना, वो है ये 2x² प्लस 3x प्लस 2। एक चीज़ आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। जब यहाँ पे आप करने लगे थे ना कि फैसला के किससे मल्टीप्लाई करें, कहने को तो आप इधर 8 से ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये 80 हो जाता रहा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन कोशिश करें कि छोटे से मल्टीप्लाई करें, वरना वो सवाल बहुत लंबा हो जाता है, और जब लंबा सवाल हो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और आप इधर उधर चले जाते हैं। तो छोटे से छोटा मुझे यही नज़र आया कि 40 है कि 10 को 4 से करें और 8 को 5 से करें, 40 आता है। तो ध्यान से इधर नंबर चूज़ कीजिएगा। जवाब मैं इसका चेक कर लूँ, डबल चेक कर लूँ बल्कि, 2x² प्लस 3x प्लस 2, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा ख्याल इधर ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के सवाल अगली वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।